पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा हमारा टोनी स्टार्क और फ्रैंकलिन यहाँ पर ब्लैक फ्रैंकलिन की आर्मी को हरा देता है और अब वो फाइनली अवेंजर्स को बचाने जा रहे होते हैं। लेकिन पता चलता है पुलिस डिपार्टमेंट पे अब एक बड़े से लावा टॉयलेट गॉड ने कब्जा कर लिया है। हमारा टोनी स्टार्क और फ्रैंकलिन बुरी तरह से उन पर अटैक करते हैं लेकिन हारे जाते हैं। उसी की वजह से अब हमारा फ्रैंकलिन और साथ साथ में हमारा टोनी स्टार्क सिर्फ अवेंजर्स ही नहीं सिंचन बिंचन चौक को भी खो देते हैं। अब वो ठान लेते हैं कि अगर उनको बचाना है तो किसी भी हालत में अब उनको पुलिस डिपार्टमेंट नहीं आर्मी के डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए वो डॉक्टर मैक्सिट को टेस्ट देते हैं। बहुत खतरनाक तरीके से टेस्ट में पास होने के बाद हमारा टोनी स्टार्क और फ्रैंकलिन बन जाते हैं एक रेप्यूटेड आर्मी ऑफिसर। उसके बाद उनको उनकी खुद की पर्सनल वर्दी मिलती है और अब वो निकल पड़ते हैं अपने सिंचन पिंचन चौक और अवेंजर्स को उस लावा टॉयलेट गॉड से बचाने, जिसमें वो बुरी तरह से नाकामयाब हो जाते हैं और वो भी वहीं कैद रह जाते हैं। तो क्या आज ये लोग लावा टॉयलेट गॉड से अपने सिंचन पिंचन चौक को बचा पाएंगे, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। अरे मेरे भाई फ्रैंकलिन, हमने इतनी ट्रेनिंग की मिलिट्री में जाके, हम कुछ भी नहीं कर पाए। एनी फ्रैंकलिन भैया, हमें प्लीज बचा लीजिए ना। बाबा साहब कल हमें बचा ले वरना हम मारे जाएंगे। तुम लोग चिंता मत करो, हमने मिलिट्री में ट्रेनिंग ली थी, हम ना यहाँ पर किसी भी हालत में निकल जाएंगे। बस एक बार इस गॉड को सोने दो। लेकिन पता कैसे चलेगा ये सो गया? यार तूने बात तो सही कही, गाइस वैसे इतनी रात हो चुकी है, बेशक ये लावा टॉयलेट गॉड है लेकिन नींद तो उसको भी आती होगी। भाई अब इसने हिलना बंद कर दिया टोनी, मेरे हिसाब से ये सो गया है। बात तो तूने सही। ओ भाई साहब इनकी भी आंखें बंद हो रही हैं फ्रैंकलिन, मेरा मतलब ये सो चुके हैं। यही समय होगा यहाँ पर सिंचन पिंचन चौप और सारे एवेंजर्स को बच के निकलने का। बिल्कुल सही कहा तूने, लेकिन यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये अवेंजर्स वो अभी भी लिटरली में टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? बेचारों की आगो खत्म क्यों नहीं करते? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है फ्रैंकलिन, ये चाह के गए। अरे बाप रे फ्रैंकलिन भैया, हमें जल्दी बचाइए। टोनी सामने देख, जाल में ना नीचे की साइड थोड़ी सी जगह है, तुझे याद है हमने ट्रेनिंग के टाइम क्राउचिंग करना सीखा था, तो चल उसका इस्तेमाल करके अरे बाप रे निकल जाते हैं। अबे वाह फ्रैंकलिन क्या बात है, इसमें हमें जंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और नीचे से निकल गए। मैं भी ट्राई करता हूँ। ये क्या बात है फ्रैंकलिन, हम तो निकल गए। ऑलराइट सिंचन पिंचन चौप तुम वहीं पे खड़े रहना ठीक है, मैं जल्दी से यहाँ पे जाल तोड़ता हूँ। मैं भी जाल तोड़ता हूँ। अरे बाप रे जाल कैसे तोड़ूं? गाइस आप लोग प्लीज वीडियो लाइक कर दो जल्दी से। ये क्या हो रहा है नीचे इंसानो, तुम किसी को चैन से सोने भी नहीं देते। ये लो। अरे टोनी, अरे फ्रैंकलिन लग गई मेरे भी लगी। ओ नो, ये लावा टॉयलेट गॉड नींद से उठ गया। अरे बाप रे फ्रैंकलिन भैया आप ठीक है? अरे गाइस जल्दी प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने समझ क्या रहा है हमको, हम यहाँ पर मिलिट्री मैन है गाइस, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। आइडिया, मैं यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स हैं ना टोनी स्टार्क, चल इनको सबसे पहले नॉकआउट करते हैं। कौन मारा? अरे कौन मारा हमको बुरी तरह से? ऑलराइट टोनी, मैंने बाहर के जितने पुलिस वाले थे उनको तो नॉकआउट कर दिया। गाइस ये हमारा बहुत ही खतरनाक मिशन है, यहाँ पर हम ना अपनी जान हथेली पर रखकर सिंचन पिंचन चौप और अवेंजर्स को बचाएंगे। ओह माय गॉड, एक ऑफिसर ये रहा। ऑलराइट इन लोगों का ध्यान नहीं है, जल्दी से मारता हूँ। कौन मारा हमको? कौन मारा हमको? बचाओ। ऑलराइट गाइस, ये जितने भी ऑफिसर्स थे सारे के सारे करप्टेड थे, इसलिए हमें इस तरह के बुरे ऑफिसर चाहिए भी नहीं। बिल्कुल फ्रैंकलिन, अब जल्दी से आग बुझाना पड़ेगा। अरे बाप रे, पहले जाल तोड़ता हूँ। ये तोड़ा। ऑलराइट अवेंजर्स तुम लोग ठीक हो? अरे बाप रे फ्रैंकलिन आ गया, फ्रैंकलिन हल्क को बचाने आ गया। रुको मैं यहाँ पर बॉम्ब लगा रहा हूँ। गाइस ये जाल टूटने का नाम ले रहा है, अब तो यहाँ पर ये बॉम्ब भी जाल को हटा पाएंगे। फ्रैंकलिन तू रट। अरे मर गया। अरे मैं भी मर गया। नो, ये क्या? उठी कसम, ये क्या होगा? ओ नो, हमारे दोस्त तो बुरी तरह से बेहोश हो गए। अरे काम करते हैं, जल्दी से लेके इनको स्टार्क मेंशन चलते हैं। हल्क अपने टोनी को लेकर जाएगा, जल्दी जल्दी लेकर चलो इससे पहले कि लावा टॉयलेट गॉड हमें मारे। अरे बाप रे, हल्क स्टार्क मेंशन आ गया, इनकी तो हालत खराब हो गई। हल्क इनको व्हील चेयर पे लिटा देगा। अरे ओडिन की कसम, इनको लिटाते नहीं है, इनको बिठाते हैं व्हील चेयर पे। लेकिन इनको हुआ क्या? ये अभी तक उठ क्यों नहीं रहे? अरे बाप रे टोनी और फ्रैंकलिन प्लीज जल्दी उठ जाओ, हमें डर लग रहा है। ओ नो, मेरे बच्चों क्या हो गया? अरे वाह बेचारा फ्रैंकलिन, देखिए गाइस पहले पुलिस ऑफिसर बना, फिर उसके बाद आर्मी मैन बन गया, यहाँ तक कि टोनी सर भी आर्मी मैन बन गए हम सबको बचाने के लिए। ओडिन की कसम, मैं अपने फ्रैंकलिन को उठा लूंगा, मैं अपने टोनी सर को उठा लूंगा। गाइस अब जल्दी फ्रैंकलिन ओपी लिखिए कमेंट में, हमारा फ्रैंकलिन उठ नहीं रहा है। गाइस आप आयरन मैन ओपी लिखिए, इनको जल्दी से व्हील चेयर पे बिठाओ, ये बेचारे चल नहीं पा रहे। ये क्या? ओ माय गॉड अवेंजर्स, मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? तुम लोग सच में मेरे सामने हो ना? अरे वाह अवेंजर्स, तो इसका मतलब हमने तुम्हें बचा लिया। ओडिन कसम, तुमने हमें बचा लिया लेकिन हमारे बचाते बचाते तुम बेहोश हो गए थे। ओ लेकिन गाइस अब हमारे पास हालत बिल्कुल भी चलने लायक नहीं बची। अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो हम सेफ है। नहीं नहीं, हम सेफ नहीं है, सिंचन पिंचन चौप अभी उस लावा टॉयलेट गॉड के कब्जे में है, पूरा डिपार्टमेंट उसके कब्जे में है, हमें उसे वहां से भगाना होगा। बिल्कुल हमें लॉ ऑर्डर लाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें आर्मी चाहिए। हल्क, हल्क तुम्हारी आर्मी बनेगा। अरे हाँ मेरे पास एक आइडिया है, तुम लोगों भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर मिक्सर के पास ले जाता हूँ, फिर डॉक्टर मिक्सर तुम्हारा टेस्ट लेगा आर्मी के लिए। अगर तुम वहां पर टेस्ट में पास हुए तो सही है, वरना वो फिर तुम्हें ट्रेन करेगा और ट्रेनिंग करने के बाद तुम यहाँ पर सारे के सारे आर्मी ऑफिसर बन जाना। और
इतनी जल्दी कैसे आनुआ तेरा, तेरा मिशन पूरा नहीं हुआ क्या? नहीं, असल में मिशन तो पूरा हो गया था, लेकिन एक साथ से यार सब कुछ खराब हो गया। ओए भाई बच्चा, तू लोगों क्यों लेकर आया? अरे यार डॉक्टर मिक्सेट, प्लीज किसी भी हालत में हमारे अवेंजर्स का टेस्ट ले लीजिए, ये भी यहाँ पर आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं। मैं अंतर्यामी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे मैं तो स्पाइडरमैन हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। हल्क, हल्क तो बर्गर खाया है जिंदगी भर, लेकिन हाँ हल्क यहाँ पर अब आर्मी ऑफिसर बनकर सिंचन चौक और पुलिस डिपार्टमेंट बचाएगा। तो ठीक है बच्चा लोग, मेरी बात सुनो ध्यान से। जिस भी बच्चा लोग को यहाँ पर आर्मी के टेस्ट में पास आना है, उसके लिए यहाँ पर सामने खतरनाक प्लेन है। हल्क इस प्लेन को खा जाएगा। अरे खाना नहीं है, इस चलते हुए प्लेन को रोकनी होगी। क्यों, चलते हुए प्लेन को रोकना होगा? अरे ये तो बहुत खतरनाक टेस्ट है। हाँ बिल्कुल, हमारा मिक्सेट कोई नॉर्मल टेस्टर नहीं है। अरे हल्क जाएगा और उस प्लेन को चबा जाएगा। कम ऑन हल्क, तू कर सकता है, तू यहाँ पर हमारी आर्मी का बेस्ट आर्मी ऑफिसर बनेगा। कम ऑन, रोक दे उस प्लेन को। बिल्कुल मेरे भाई, रोक दे उस प्लेन को। अरे हल्क को लगी, अरे बहुत जोर की लगी। ओ माय गॉड हल्क मेरे भाई, ये क्या हो गया यार? यहाँ पर तो हल्क भाई बड़े चौड़ में गया, तो बुरी तरह से पिट के आ रहा है। ओ नो गाइस, ये तो बहुत ज्यादा गलत हो गया इसके साथ। हल्क ये क्या हो गया तुझे? अरे हल्क को माफ कर दो, हल्क यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया। उठी क्यों, तूने तो हमारी नाक कटा दी। अब हमको देख, हम अपने हथौड़े के बिना ही कितने पावरफुल हैं। हम इस प्लेन की धज्जियां उड़ा देंगे खुद से टच करते ही। अरे हमारे आकार से तो बड़े बड़े जायंट खिल जाते हैं, ये प्लेन क्या चीज है? अरे बच्चे बोल तो बहुत रहे तू, देखते हैं थोर तू क्या कर लेगा। मैं अंतर्यामी हूं, मैं जीतूंगा। गाइस यार ऊपर वाले से प्रे करो हमारा थोर यहाँ पर इस प्लेन को रोक पाए। हो ओडिन कसम, आने दो उस प्लेन को। कम ऑन थोर, कम ऑन मेरे भाई, तू कर सकता है। तुझे सिंचन चौप की कसम, तुझे हमारे पुलिस जवान में। ये मारो, अरे फट गए, अरे मर गए ओडिन की कसम, ये क्या हो गया हमारे साथ? हा हा हा, अच्छा हुआ यहाँ पर थोर भी हार गया। अगर हल्क नहीं बनेगा पुलिस ऑफिसर तो थोर नहीं बनेगा आर्मी ऑफिसर। अरे तू पागल है मोटे, तूने हमें हरवा दिया। अरे यार ये तो बहुत आसान सी चीज है। हाँ अरे कैसी बात है। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज आप मुझसे पहले चले गए। मैं अंतर्यामी हूँ, मुझसे इंतजार नहीं होता। मैं यहाँ पर आर्मी ऑफिसर बन के रहूंगा। मैं इस प्लेन को रोक के ट्रेनिंग को और टेस्ट को पास कर डालूंगा। मैंने सोचा था साइड में से इसको रोक लूंगा, लेकिन मर गया। अरे बाप रे यार टोनी, ये क्या, ये सब के सब तो हमारी ही तरह पहली पहली बार में टेस्ट में फेल हुए जा रहे हैं। कोई नहीं भाई, सभी स्पाइडरमैन भी है। स्पाइडरमैन प्लीज पास हो जाइए, वरना मिक्सेट का गुस्सा तूने अभी जगह नहीं है। ओए मिक्सेट क्या कर लेगा? हाँ और मिक्सेट को मैं खिचड़ी बना दूंगा। और ये प्लेन को देख अभी कैसी पंखुड़ी बना के डालता हूँ मैं। कम ऑन मेरे बच्चे, स्पाइडरमैन दिखा दे, परवरिश दिखा दे अपनी तो। अरे अरे ये क्या, ये तो मेरा इंजन है, वो मतलब मेरा इंजन मुझे खींच रहा है, बचाओ। अरे टोनी सर मर गया मैं तो। अबे क्या कर रहा है स्पाइडरमैन? अरे उसको रोक रहा हूँ मैं। ओए रुक जा, ये ले, ओए फोड़ दूंगा तुझे, तोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, अबे स्पाइडरमैन प्लेन थोड़ा फोड़ना नहीं है भाई, ये करोड़ों का प्लेन होगा। ओह नो, ये क्या कर दिया स्पाइडरमैन ने भाई, अब तो मिक्सर गया, मतलब वो नहीं गया, वो हमें मार देगा बुरी तरह से। टोनी चल निकल ले यहां से। अबे स्पाइडरमैन अब तू जल रहा है लिटरली, मैं इधर आ। अरे टोनी सर ये क्या हो गया? ओए मैंने प्लेन रोक दिया, फाड़ा ही तो सही है, लेकिन प्लेन तो रोका है, देखिए जिंदा प्लेन रोका है मैंने। अब मैं दुनिया का सबसे बेस्ट आर्मी ऑफिसर बनूंगा। अरे बच्चे जरा इधर आना, तू तेरा नाम क्या है मकड़े? अरे मेरा नाम पीटर पार्कर है, मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा प्लेन तोड़ दिया। अरे बाप रे गाइस, ये स्पाइडरमैन ने क्या कर दिया भाई? अरे बाप रे, स्पाइडरमैन प्लेन को रोकना था ना कि तोड़ना था। अब हल्क, हल्क भी यहाँ पर आगे से प्लेन तोड़ के रोक देगा। हल्क ने तो सोचा था प्लेन रोकना है ना कि तोड़ना है। अरे बच्चा लोग, तुमने मेरा पूरा समय बर्बाद कर दिया, पैसा बर्बाद कर दिया। अब तुम आर्मी में तो क्या, अब तुम कूड़ा कचरा साफ करने वाली नौकरी में भी ज्वाइन नहीं हो सकता। ये क्या कह रहा है तू? चलो निकलो यहाँ से, भिखारी मंगारी करके तुम्हारा बस की कुछ भी नहीं है। चल फ्रैंकलिन को ले जा। ओ भाई मिक्सेट एक मौका दे दे, एक मौका दे दे। अरे बाप रे फ्रैंकलिन यार, इन अवेंजर्स ने नाक कटवा दी। अरे बाप रे, ओ माफ कर दे, ओ भाई मिक्सेट माफ कर दे, हमें एक मौका दे दे। उठी कसम मारो। अबे बाप रे मिक्सेट, ठीक है हम यहाँ से जा रहे हैं। भाई कितना पीटेगा, ये क्या कर दिया गाइस? नो यार, यहाँ पर सिंचन पिंचन चौप की जान खतरे में, और इधर अवेंजर्स पूरी तरह से टेस्ट में फेल हो गए। अब यहाँ पर ये आर्मी में कैसे ज्वाइन होंगे? वैसे मेरे पास एक और आइडिया है गाइस, आप सभी सोच रहे होंगे मैं इतने ऊंचे टावर पे क्यों आया हूँ। खैर आप सभी को बताता हूँ, असल में अवेंजर्स मेरे पास, सुनो आज से ट्रेनिंग मैं और टोनी स्टार्क तुम्हारी करवाएंगे। उठी कसम, तुम कैसे ट्रेनिंग करवा सकते हो? हाँ असल में फ्रैंकलिन ने मेरी ट्रेनिंग करवाई थी, तभी तो मैं आर्मी ऑफिसर बना हूं। अरे वाह, फिर तो मुझे करनी है, मेरे को भी करनी है। हल्क भी करेगा, मैं भी करूंगा, मैं कौन सा कम हूं। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले तुम्हारी ट्रेनिंग मैं बताता हूं तुम्हें करना क्या है। तुम लोग ना यहां से नीचे कूदोगे। अरे हम मरेंगे, मेरा मतलब कूदकर एक पोल को पकड़ लोगे। हल्क, हल्क को क्या पकड़ना है हल्क, समझा नहीं? अरे समझाता हूं, हिंदी में समझाता हूं। देखो तुम्हें असल में करना क्या है कि यहां से कूदना है, और उसके बाद इस वाले पोल को जो नीचे इसको पकड़ लेना है, और अगर किसी ने भी इस पोल को पकड़ने के बाद छोड़ा तो वो बुरी तरह से हारा जाएगा। हल्क उसको पकड़ के नहीं छोड़ेगा, लेकिन कितनी देर तक पकड़ना है? पूरे 30 सेकंड तक। देखते हैं हल्क ने क्या किया। भाई साहब इसने इस पोल को पकड़ रखा है गाइस। ऑलराइट हल्क, अब मैं यहां पर मोलोटो फेंकने जा रहा हूं। अरे बाप रे हल्क को चला क्यों रहा है, यही तो टेस्ट है, तुम्हारी ग्रैपिंग हुक देखना चाह रहे हैं कि असल में तुम कितने स्ट्रांग हो। बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पे भी तुम यहां पर हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, यहां पर जल्दी मोलोटो फेंक, हल्क यहां पर सर्वाइव कर लेगा। और ये फेंका हमारे टोनी ने गाइस यहां पे मोलोटो। ये ले हल्क, तू
मारेगा। अरे बाप रे, हल्क तो हार ही है। हल्क जीत गया। क्या बात है हल्क, तू तो बहुत स्ट्रांग निकला भाई, तूने अपने आप को बचा लिया मोलोटोव से जलने के बाद भी। बिल्कुल, हल्क है सुपर पावरफुल, हल्क है सबसे खतरनाक। नूडिन किसम, अरे मेरे लिए ये बच्चों का खेल है, हमारी अम्मा खेला करती थी हमारे साथ ऐसा खेल, चलो हमको नीचे गिराओ जल्दी से। अरे भाई खुद कूदना है, ठीक है हम खुद ही कूद जाएंगे। चल भाई थोड़ी जल्दी कर, हमें तुम सबको ट्रेनिंग देनी है। अरे मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी यहाँ पर कूदूंगा। अरे मैं भी आ रहा हूँ टोनी सर, मुझे भी यहाँ पे ट्रेनिंग लेनी है खतरनाक तरीके की। मैं सबसे पहले कूद गया। नूडिन किसम, हमें कूदना था। ऑलराइट गाइस, अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज लटका हुआ है। अरे बाप रे, एक हाथ से लटकना बहुत दिक्कत हो रही है, दो हाथ से कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, रूल के खिलाफ होगा ये, मारी लौटो। ये क्या कर दिया, मेरा केप जला दिया, मर गया मैं तो। अरे बाप रे गाइस, ये डॉक्टर स्ट्रेंज तो बड़ी जल्दी ढेर हो गया भाई, यहाँ पर कोई फायदा ही नहीं हुआ फ्रैंकलिन। अरे बाप रे, ओए तू चिंता मत कर भाई, मैं हूँ यहाँ पे खतरनाक सुपरमैन, मैं यहाँ पर किसी भी हालत में 30 सेकंड तो क्या, 1 मिनट अपने सिंचन को बचाने के लिए आर्मी में ज्वाइन हो जाऊंगा, देख मैंने यहाँ पर किस तरह से खुद को पकड़ रखा है। ऑलराइट टोनी, जल्दी से मोलोटोव फेंक, तब पता चलेगा। नहीं टोनी सर, ये मत करना, मोलोटोव नहीं, ये ले मोलोटोव नहीं, बॉम्ब फेंका, डोंट वरी। अरे ये तो और भी खतरनाक था, अरे मार दिया। अरे लेकिन यार मैं हंस क्यों रहा हूँ, ये तो बुरी चीज हो गई, यहाँ पर बस हल्की जीत पाया बाकी। अरे बाप रे, बहुत बुरी तरह से जलाया और फेंका, इस तौर को भी जलाया। उठीन कसम मैं नहीं, अरे मेरा हाथ विरत है, मौन विरत है, मैं कुछ नहीं करूंगा। अरे मुझे माफ कर दे फ्रैंकलिन टोनी स्टार्क, सच्चाई तो ये है मैं डरपोक हूं, मेरे बस की कुछ नहीं है। हल्की ज्वाइन होगा आर्मी में, ये तीनों तो हारेंगे। अरे 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 ऐसे यार, तुम अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत करो, असल में मेरा भी कॉन्फिडेंस डाउन हुआ था और टोनी भी यहाँ पे हार मारा था। बिल्कुल सही कहा, इसलिए मेरे पास और फ्रैंकलिन के पास एक और तरीके है तुम्हें यहाँ पर आर्मी ऑफिसर बनाने की। बिल्कुल तो ठीक है बता। असल में गाइस, अब हम इनको यहाँ पर एक्सरसाइज करवाएंगे, वो भी खतरनाक वाली। उठीन किसम, बस मोलोटोव मत फेंकियो वरना गिर जाएंगे हम। अरे बाप रे, मैं भी यहाँ पर खतरनाक तरीके से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आग लग गई। कम ऑन गाइस, तुम कर सकते हो, तुम्हें मेरे सिंचाई पिंचाई चौक के सब, तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट के सब, तुम्हें यहाँ पर बस 8 सेकंड और सर्वाइव करना होगा। अरे बाप रे, आग में चल रहे हैं, अरे फिर भी सर्वाइव करेंगे। उठीन किसम, मैं भी कर लूंगा। क्या बात है, कम ऑन गाइस, का डाला लोगों ने, देखा मैंने कहा था ना तुम सबके सब ताकतवर हो, तुम सब यहाँ पर उस लावा टॉयलेट गॉड को और उसकी आर्मी को उसके डिपार्टमेंट को हराने के लिए ताबिल हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें बस ट्रेनिंग देनी होगी सही फॉर्म में, जिससे कि तुम यहाँ पर एक बढ़िया वाले ऑफिसर बनके हमारा साथ दो। अब हल्क जाएगा और सिंचा भी चौक जाएगा। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, असल में तुम्हारी एक और ट्रेनिंग तुम्हारी जा कर रही है। क्यों, और ये अगली ट्रेनिंग क्या होगी, तुम सब मेरे साथ चलो तभी बताता हूँ। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, अगली ट्रेनिंग के बारे में तो मुझे भी नहीं पता। खैर यहाँ पर हम चल रहे हैं फिलहाल रेगिस्तान वाले एरिया की तरफ। उठी की कसम, हम यहाँ पर क्यों है, देखो गाइस ये टैंकर है ना, मेरे को टैंकर से पोड़ना बहुत पसंद है। खैर तुम्हें टैंकर फोड़ना बहुत पसंद है ना, आज टैंकर से तुम फूटने वाले हो। क्या, मैं खुद नहीं समझा फ्रैंकलिन। सुनो तुम्हें करना क्या होगा, असल में बस सामने खड़े रहना है रोड पे और मैं इस टैंकर के अंदर जाऊंगा या फिर टोनी स्टार्क जाएगा और 1 मिनट तक हम डायरेक्टली तुम पर अटैक करेंगे। क्यों, मैं इस अटैक से बच जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, अटैक से बचना नहीं है, उसको लिटरली में ड्यूरेबल होकर संभालना है। अगर तुम इस 1 मिनट तक के अटैक को झेल पाए तो यहाँ पर तुम किसी भी खतरनाक अटैक को झेल पाओगे, उसके बाद लावा गॉड की आर्मी तुम्हारा किसी भी गॉड की आर्मी तुम्हें नहीं हरा पाएगी। बाप रे, ओए कबाब बना दिया मेरा तो भून के मुझे, ओए बहुत बुरा मारा। कम ऑन स्पाइडरमैन, तुझे उठना पड़ेगा। अरे बाप रे स्पाइडरमैन, नाक मत कटवा मेरे भाई, तुझे मिलिट्री में जीतना होगा। ये कैसा टास्क है, वो मेरे बस की नहीं है, वो बहुत बुरी तरह मारा। अरे बाप रे, कैसे उसको मछली की तरह भून रहा है, मेरे को तो देखते ही डर लग रहा है इस चीज से, क्या ही हालत हुई है इस बेचारे स्पाइडरमैन की। उठी क्यों सब, मैं तो इससे बिल्कुल ना डरूं, अरे ऐसे टैंकर को तो मैं डेली खाता हूं। अरे मेरी तो बैंड बज गई, मेरे बस की नहीं आर्मी ऑफिसर बनना, मुझे माफ कर दो, क्या ही पीटा है मुझे। ओ नो, अगला नंबर किसका है, चलो अगला नंबर हल्क, हल्क जाएगा, हल्क ने यहाँ पर हर टेस्ट पास किया है, इसको भी कर लेगा। गाइस मुझे हल्क से बहुत उम्मीद है, मेरे हल्क भाई, 1 मिनट तेरी स्टार्ट होती है अब। ऑल राइट गाइस, अब हल्क को हम 1 मिनट तक डायरेक्टली हिट करने वाले हैं, देखते हैं हल्क यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा नहीं। गाइस हल्क की मदद करो, हल्क के लिए हल्क ओपी लिखो, हल्क यहाँ पर सर्वाइव करेगा। ऑल राइट गाइस, अगर आप चाहते हैं आपका हल्क जीत जाए और एक बढ़िया सा शानदार और होनहार ऑफिसर बने तो कमेंट में जल्दी से हल्क ओपी लिखो। अरे बाप रे, हल्क पर चढ़ाया जा रहा है टैंक, लेकिन हल्क यहाँ पर हारेगा नहीं। अरे रे रे, हल्क की क्या ही बैंड बज रही है, और क्या हुआ, अरे हल्क की बैंड बज गई, हल्क के बस की नहीं है। ओ नो गाइस, मुझे हल्क से बहुत सारी उम्मीदें थी यार। हल्क क्या हो गया भाई तुझे, उठ मेरे भाई। गाइस ये क्या हो गया हल्क को, हल्क यार प्लीज इसे डरा मत, हल्क प्लीज उठ जा। अबे फ्रैंकलिन क्या तूने उसको मार दिया, नहीं 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 हल्क उठ जा। अरे हल्क उठ गया, हल्क उठ गया, लेकिन हल्क नहीं खेलेगा, हल्क को ऐसी बुरी तरह से मारते हो, हल्क ऐसी ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करेगा। ओटीन किसम, तुम सब तो डरपोक हो, अरे हम जाते हैं, हमने अपनी माँ का दूध पिया है, अरे हमारे बाजुओं में ताकत है ताकत, हम यहाँ पर बर्गर खा के बड़े नहीं हुए।
हुए। बस बस भाई थोर पास कितनी डायलॉग मारेगा अब देखते हैं गाइस। ये यहाँ पर थोर डायलॉग तो मार रहा है, क्या एक सेकंड भी सही से सर्वाइव कर पाएगा क्या? अरे ये क्या बात कर दी तूने फ्रैंकलिन, अरे पूरे 10 मिनट सर्वाइव करेंगे। अरे बाप रे थोर कैसा लग रहा है? अरे बहुत बुरा लग रहा है। अरे कैसी ट्रेनिंग है ये? अरे बैंड बज गई हमारी। मैंने तो पहले ही बोला था बहुत खतरनाक, मैं तो गलती से भी ना जाऊं, यहाँ क्या हालत हो रही है इनकी। अरे बाप रे गाइस तुमको ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। अरे बैंड बजा दी, अरे मर गया। फ्रैंकलिन रुक जा, अब और शूट मत कर। क्यों क्या हो गया? अब मुझे लग रहा है थोर गया ऊपर वाले के पास। ओ माय गॉड थोर, थोर ये क्या हो गया? थोर मेरे भाई ये क्या हो रहा है तुम लोगों? उड़ी कसम बहुत बुरा मारा है। वो तो शुक्र है हम यहाँ पर बच गए, हमारी माँ का आशीर्वाद हमारे साथ था, वरना तूने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी कलवे हमें मारने की। अरे कैसी ट्रेनिंग है ये, हमारे बस की कुछ नहीं है। अरे गाइस क्या रीजन है संभाल रहे हैं? तुम चिंता मत करो, मैं समझ गया यहाँ क्या करना है। यहाँ पर तन की शक्ति के साथ मन की शक्ति भी चाहिए होती है। मैं यहाँ पर अपने तन की शक्ति से मन की शक्ति मिलाकर अपने आप को अंतर्यामी बनाया हो। पता नहीं गाइस ये डॉक्टर स्ट्रेंज क्या बोल रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर इस टैंकर को सर्वाइव कर ले पूरे 1 मिनट तक। जल्दी हट, अबे क्या कर रहा है डॉक्टर जी? मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को आराम से मर गए क्या हो रहा है? मेरी तन और मन की शक्ति दोनों चल रही है पाके, मेरे को सर्वाइव करना है ना कि हारना है। कम ऑन डॉक्टर स्ट्रेंज, कम ऑन, बस 20 सेकंड और मेरे भाई। 1 मिनट डॉक्टर स्ट्रेंज का, अबे तू उसको नीचे लिटरली में बुरी तरह से घसीट रहा है भाई। फ्रैंकलिन उसके ऊपर से टैंकर हटा, वो मर जाएगा, हम अंतर्यामी खो देंगे। अरे यार ये क्या हो रहा है? फ्रैंकलिन तो सब हार रहा है। ओ नो गाइस ये क्या हो गया यार? मैंने तो इससे भी केड़ी केड़ी ट्रेनिंग करी है, ये उसको सर्वाइव कैसे करेंगे जब ये नहीं कर पाए? क्या ही हालत हो गई मेरी, मैं नहीं करूंगा ट्रेनिंग, तुम मुझे मरवाना चाहते हो। अरे टोनी अब क्या करें, इस तरह से तो कोई भी यहाँ पर आर्मी ऑफिसर नहीं बन पाएगा और ये मिक्सिट को खुश नहीं कर पाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? असल में सारे एवेंजर्स इसलिए हारें क्योंकि इनके पास वेस्ट नहीं है। ओ हाँ, लेकिन एक मिनट, वेस्ट और सारी वर्दी तो यार आर्मी ऑफिसर बनने के बाद मिलती है ना। मेरे पास एक आइडिया, हम मिलिट्री बेस जाएंगे, वहां जाकर वेयर हाउस से हमारे सारे एवेंजर्स के लिए वेस्ट चुरा के लाएंगे, एकदम लेवल 3 की, जो इनको लिटरली में बुलेट से भी प्रोटेक्ट कर सकती है और फायर से भी। हाँ चलो गाइस चलो जल्दी चलते हैं। और डॉक्टर मिक्सिट इससे पहले कि देखे हम यहाँ पे चोरी कर रहे हैं, हम चोरी करके निकल लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे तुम्हें अच्छे ट्रेन करेंगे, फिर डॉक्टर मिक्सिट को इंप्रेस करना और तगड़े आर्मी ऑफिसर बन जाना। ऑलराइट गाइस, किसी भी, अबे ये क्या टोनी सामने देख, मैं तो सोच रहा था यहाँ पर मिक्सिट को ही किसी तरह का टास्क ला रहा है, लेकिन भाई मिक्सिट जाल में बंद है। अबे फ्रैंकलिन तुझे इतनी दूर कैसे देख गया? भाई तू खुद देख ले। ओ भाई साहब, यहाँ पर सिर्फ मिक्सिट ही नहीं पूरा का पूरा आर्मी स्टाफ बंद है। अरे भाई बचाओ, ये टॉयलेट गार्ड हमें कहा जाएगा, तुम लोग बचोगे नहीं। अरे वाट टोनी सर, ये तो बड़ा पिद्दी सा है, रुकिए मैं इसकी बैंड बजा गया। नहीं बच्चे, स्पाइडरमैन रहने दे। अरे मत जा, वो खतरनाक होगा, सोच उस अकेले ने कितनों को मारा है और तुझसे वो 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। अरे मैं इससे डरता थोड़ी हूं पिद्दी से। हल तो इसको मसल देगा ओडिन कसम, मैं तो इसके हथौड़ा रख के इसे पूरी तरह से मार दूंगा। गाइस मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, ये टॉयलेट गार्ड इतना कमजोर नहीं है जितना दिख रहा है। अरे कौन है तू, कौन मार रहा है मुझे? ओए मैं हूं दुनिया का मसीहा, आर्मी वाला। अरे टोनी सर मारा मुझे, मैंने पहले ही बोला था। रुक बेटा तेरे को बताता हूं, तूने कितनी बड़ी गलती कर दिया यहां पर मेरे को पीट के, तेरे ही सामने तेरी ऑफिसर को। अरे भाई मत जा, अरे हमको बचाने है मानना। ओ बच्चे तुम यहां पर क्यों आए, तुम यहां पर मेरे ऑफिसर्स को मरवा रहे हो? ए डॉक्टर मिक्सिट देख ले, यहां पर कोई भी तेरे को बचाने आया तो ये हश्र होगा उनका। हा हा यम 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 यम। अबे यार फ्रैंकलिन ये तो इंसानों को रोटियों की तरह खा रहा है, और ओ भाई साहब ये इन सबको खा के इतना बड़ा हो गया। अरे बाप रे स्पाइडरमैन ये क्या कर दिया, इससे बेटर तो हम यहाँ पर वेस्ट लेके पहले निकल लेते, फिर तुम्हें ट्रेन करके इन सबको बचा लेते। और अब आप बच्चा लोग हमको बचाओ। बाप रे बड़ी जोर से लगी है, वो इतना बड़ा हो गया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे रुक तेरे को बताता हूँ ये ले। अबे नहीं यार स्पाइडरमैन ये कैसे बनेगा तू मिलिट्री ऑफिसर? यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर के लिए लिटरली में गाइस स्टेल्थ मोड में खेलना होता है, हर बार सामने से रश नहीं कर सकते वरना स्पाइडरमैन की तरह पिट कर आएंगे। हल्क जाएगा, हल्क, हल्क बहुत पावरफुल है। नहीं भाई हल्क हमें कोई स्ट्रेटेजी सोचनी होगी। तू चिंता मत कर हल्क, मैंने उसको आधा रा दिया है, पूरा तू रा दे। बिल्कुल सही कहा, हल्क उसको बर्गर समझ के खा जाएगा। अबे नहीं यार हल्क लिटरली में वो बहुत बड़ा है। अबे यार तू कौन है? अब हल्क है यहाँ पर सबसे शक्तिशाली महाबली। उड़ी कसम हल्क तो उसको मार दे, अब हमसे देखा नहीं जा रहा है वरना हम उसको मार देंगे। हल्क इसकी बैंड बजा देगा। अबे रुक तेरे को हल्क बताता हूं मैं, ये ले हल्क तेरी बैंड बजा देगा। अरे गाइस सुनो, हमें यहाँ पे प्लानिंग करनी होगी लिटरली में गाइस, ये एक भी एवेंजर हमारी सुन रहा है वरना मेरे पास एक प्लान है। हां मेरे पास भी प्लान है। अरे बाप रे हल्क को मारा, अरे तो प्लान बताओ ना, हल्क इतनी बुरा से पिट के आ रहा है, हल्क का क्या ही हालत हो गया? मेरी बात सुनो गाइस, हम सभी को यहाँ पर एकता में विश्वास रखना होगा। क्यों एकता कौन है ये? एकता मतलब यहाँ पर यूनिटी, यूनिटी गाइस, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, एकता में बल है। बिल्कुल सही कहा, अगर तुम सब एक साथ लड़ोगे ना तो उसको हराओगे। अरे तो फिर हल्क जा रहा है। मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है सो मैं भी आ रहा हूँ। गाइस तुम्हारा यही टेस्ट है, अगर तुमने इस बड़े से टॉयलेट गॉड को हरा दिया ना तो सोचो सोचो डॉक्टर मिक्सी तुमसे खुश हो जाएगा। हो सकता
सकता है वो तुम्हें यहाँ पर फ्री में वेस्ट और वर्दी दे दे। अरे वो ऑटो सर बात तो सही है, वो चल हम इसको बिजली के झटके लगा रहे हैं, हल्क ऊपर से अटक कर मैं इसको यहाँ पर बुरी तरीके से पेट में गड़बड़ी करने वाला चूरन दे रहा हूँ। अरे ये क्या हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अरे मुझे पोटी आई है, मुझे बाथरूम जाना है। क्या बात है गाइस, अभी एवेंजर्स की बुद्धि खुली, अब हल्क जाएगा और इस गॉड की बुद्धि बंद कर जाएगा। ये उठाया पत्थर, ये मारा, अब क्या कर रहे हो, अरे मार दिया, अरे इतना बुरा टॉर्चर कौन करता है, हमारी बिजली तो ऐसे झटके दिए, ऐसे झटके दिए कि इसकी हालत खराब हो गई। हा हा हा, हल्क इसको उड़ा उड़ा के फेंका है, हल्क को मजा गया, और वाह बच्ची कमाल कर दी। ओ भाई सर जी ये कौन है, हमारी आर्मी में ले लो, मजे दिला देंगे तो। और वाह बच्ची टोनी स्टार्क और फ्रैंकलिन, तेरा स्टाफ तो बड़ा खतरनाक निकला, इन्होंने तो हम सबको बचा लिया, इन्होंने अनहोनी को होनी बना दिया। बिल्कुल, लेकिन यार डॉक्टर मिक्सेड हमारी एक दरख्वास्त है, प्लीज अब तो इनको आर्मी ऑफिसर बना दे। नहीं बच्ची, पहले इनको मैं यहाँ पर फ्री में खतरनाक वर्दियाँ देता हूँ, उसके बाद जाओ जाकर ट्रेनिंग पूरी करके आओ, अगर ट्रेनिंग पूरी कर ली तो तुम यहाँ पर ऑफिशियली आर्मी ऑफिसर बन जाओगे, उसके बाद जाकर तुम पुलिस डिपार्टमेंट बचा सकते हो। क्या बात है गाइस, मिक्सेड यहाँ पर सारे एवेंजर्स को खतरनाक ड्रेस देने वाला है। अरे वाह, हल्क तो यहाँ पर आर्मी ऑफिसर बन गया। ओ भाई साहब हल्क क्या ही लग रहा है। अरे टोनी सर मुझे तो देखिए, मुझे भाई पीछे से भी एकदम आर्मी वाली। ओ माय गॉड गाइस, स्पाइडरमैन को देखिए भाई, इसकी ड्रेस तो और भी खतरनाक लग रही है। मैं तो पूरा अंतर्यामी के साथ साथ पुलिस वाला और आर्मी वाला सब हो गया। उड़ी कसम, अरे मैं तो आर्मी गॉड बन गया, आर्मी गॉड। चलो गाइस हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। दोस्तों मिक्सेट ने कहा है अगर इनको ऑफिशियली आर्मी ऑफिसर बनाना है तो लास्ट ट्रेनिंग को खत्म करना होगा, जो कि लास्ट में आप सभी ने देखा था, एक मिनट तक सर्वाइव करना होगा। ऑलराइट दोस्तों, हम यहाँ पे आ चुके हैं। फ्रैंकलिन, पहले की तरह अगर हमने गलती की तो यहां पर ये फिर से हार जाएंगे। कहने का क्या मतलब है टोनी, तेरा कहने का मतलब इन सभी को हम एक जगह खड़े करते हैं, उसके बाद अटैक करते हैं। एकता में बल है फ्रैंकलिन, एकता में बल। तूने सही कही बात टोनी। ऑलराइट गाइस, तुम सब यहीं खड़े रहो, मैं जा रहा हूं टैंक के अंदर, बस एक मिनट प्लीज, एक मिनट सर्वाइव कर लेना, मैं तुम पे अटैक करूंगा। ठीक है, हम सर्वाइव करेंगे, हल्क भी करेगा। अरे हल्क सब कुछ आएगा, हुडिंग को मैं बचाऊंगा, अरे मैं बचाऊंगा, मैं भी बचाऊंगा, कम ऑन एवेंजर्स तुम कर सकते हो। गाइस कमेंट में जल्दी एवेंजर्स ओपी लिखो, अगर एवेंजर्स ने ये वाला टेस्ट पास कर लिया तो ये ऑफिशियली आर्मी ऑफिसर बन जाएंगे, फिर तो लावा टॉयलेट गॉड की आर्मी के हम बैंड बजा देंगे और उस बेकार से पुलिस डिपार्टमेंट की भी, उसके बाद हम नया पुलिस डिपार्टमेंट लाएंगे और साथ साथ में भाई आर्मी में भी हमारी वाहवाही होगी और साथ साथ में सिंचर बिंचर चौप को भी बचा लेंगे। हल्क ने यहाँ पे सर्वाइव कर लिया, वाह क्या बात है गाइस, अवेंजर्स तुम सारों ने सर्वाइव कर लिया, उन्हें कसम बहुत जोर से लगी थी, क्या बात है। तो गाइस फाइनली मैंने और फ्रैंकलिन ने अपना मिशन अकॉम्प्लिश कर दिया है, मतलब इनको अवेंजर्स से सीधा आर्मी ऑफिसर बनाने का। अब हल्क जा रहा है जाके सिंचर बिंचर चौप को बचा रहा है, मेरी बात सुनो, हम सब एक साथ जाएंगे, सबसे पहले छोटी आर्मी अटैक करेंगे, उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी पे, उसके बाद सबसे बड़ी बड़ी, ठीक है। सब ग्रुप ग्रुप में बढ़ जाना और यहां पर एक दूसरे का साथ निभाना। ऑलराइट, मैं अपना सूट पहन लेता हूं। तो गाइस अब समय आ गया यहां पर सिंचन पिंचन चौक को बचाने का और पुलिस डिपार्टमेंट को भी। बिल्कुल सही कहा दोस्तों, चलो अब जल्दी चलते हैं। और आक्रमण, हल्क भी बोलता है आक्रमण, बिल्कुल चलो जल्दी से। ऑलराइट गाइस, हम मेन सिटी में आ चुके हैं, यही हमारा पुलिस स्टेशन है और देखिए यही लावा टॉयलेट गॉड की आर्मी ने हमारे पूरे डिपार्टमेंट पे कब्जा कर रखा है और ये तो अभी भी यहां पर आर्मी ऑफिसर की भी डिपार्टमेंट पे कब्जा करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा, वहां से तो हमने इनकी बैंड बजा दी, बस यहां से निकलना होगा। और काफी शांति है, जाओ जाके दो चार मिलिट्री ऑफिसर्स को पकड़ के लाओ, मैं उनको पीट पीट के उनका मिलिट्री बेस भी अपने कब्जे में लूंगा। अच्छा बेटा, मिलिट्री बेस कब्जे मिलेगा, तुझे बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहले छोटी गैंग को मारना है। ऑलराइट फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन ने तो अटैक कर दिया है। गाइस मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैं अटैक करने जा रहा हूँ। बिल्कुल गाइस, ये देखिए ये मेरी मशीन गन, यहाँ पर सारी आर्मी मार दूंगा। अरे बॉस हमको कोई मार रहा है, जितने भी लावा टॉयलेट गॉड है या सन टॉयलेट गॉड है, जितने भी ये टॉयलेट गॉड है वो मेरे से बिल्कुल नहीं बचने वाले, निकल जाओ यहाँ से। ओ भाई साहब ये बड़े वाले, हल्क फोड़ेगा बड़े वाले को, हल्के से बड़े वाले को। क्या बात है गाइस, देखा एकता में बल है, भूल ना मत एकता में बल है। हल्क को उसके दोस्त वापस करो। अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये कौन सी ऑफिसर की आर्मी आ गई, कौन सी आर्मी आ गई है, मार दिया मुझे तो। हल्क ने फोड़ा, क्या बात है गाइस, यहां पर हमारे हल्क ने कमाल कर दिया। देख फ्रैंकलिन, देख बाकी एवेंजर्स, देखो क्या मचा रहा है अपना हल्क तो। हल्क फोड़ेगा, हल्क किसी को कहीं का नहीं छोड़ेगा, सिंचन पिंचन चौक को बचाएगा। ऑलराइट गाइस, हमने यहां पर सिंचन पिंचन चौक को बचा लिया और पूरा पुलिस जवान में बिल्कुल सही कहा, बहुत मजा आ गया, उन्हीं किस्म बहुत मजा आया यहाँ पर, हे कमाल हो गया। गाइस अब तो यहाँ पर हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। अरे मुझे भी पुलिस ऑफिसर बनना है। हाँ बाबा, तो मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा, हे मैं नेवी ऑफिसर बनूंगा। ऑल राइट गाइस, मजा ही आ गया। इतनी जल्दी नहीं बच्चों, ये किसकी आवाज है, मुझे क्या पता फ्रैंकलिन, ये तो भाई थ्री हेडेड ऑल फादर टॉयलेट गॉड है। क्या लावा गॉड कम था क्या जो ये आ गया, मैं आ चुका हूँ सिर्फ और सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट पे नहीं, पूरे के पूरे आर्मी डिपार्टमेंट, हर तरह के मिलिट्री डिपार्टमेंट पे कब्जा करने। अरे बाप,
बाप रे ये कहां से आ गया। अब फ्रैंकलिन इससे पहले कि हम पे हमला करे यहाँ पर हम स्पेल लगा कर देते हैं। इतनी आसानी से नहीं, अपने आस पास देखो क्या है। अरे बाप रे मुझे डर लग रहा है यही पे कि भैया ये तो 300 ऑयल फादर टॉयलेट लावा गॉड है। नहीं नहीं लावा गॉड नहीं है, ये उससे भी खतरनाक खतरा है। गाइस हमें इससे अपने पूरे लॉस एंटोस नहीं अब तो पूरी दुनिया को बचाना पड़ेगा। जल्दी से कॉमेंट में पार्ट 5 लिखिए, हम पार्ट 5 में वापस आएंगे और हमारी मिलिट्री आर्मी इन सब की बैंड बजाएगी। थैंक यू सो मच।